एम गुड राज, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और मैं आपसे महीनों बाद मिल रहा हूँ। जी जी, बहुत टाइम हो गया आपकी शक्ल देखे तो। वैसे हम आपकी देखते हैं रोज स्क्रीन पे, बट एक स्टोरी अगर आपको याद है तो जो आपका शो शुरू हुआ था, अदिति और आपके साथ एक स्टोरी करवाई थी कंपेनियनशिप, उसके बाद हम राइट काफी टाइम हो गया। और आपकी फैंस को बता दूं कि विक्रम का जो मेकअप रूम होता है लाजवाब, उससे पैसा मेकअप रूम बहुत ही कम एक्टर्स का मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा। इतना वेल अरेंज्ड, इतना क्लीन, आपको लगेगा कि आप किसी राजा के मेकअप रूम में गए। अरे थैंक्स टू द प्रोडक्शन हाउस फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। तो विक्रम, कैसा चल रहा है लॉकडाउन क्वारंटाइन टाइम, कैसे बिता रहे हैं? मैं अकेला रह रहा हूँ यार, और आई थिंक अब वो फेज आ गया है जहां पर अब थोड़ा बोर होना स्टार्ट हो गया हूँ। वैसे आई लाइक स्टेइंग अलोन, बट अब क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है फॉर अनदर टिल द 30th, तो वैसे थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। बट आई एम लुकिंग फॉर न्यू एक्टिविटीज यार, कि कुछ कुछ नया कर लूँ, कुछ नया सीख लूँ, कुछ ना कुछ नया मैं ढूंढता रहता हूँ अपने घर के अंदर। बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो वही कोशिश है यार, यूट्यूब में देख के नया टाइप का कोई खाना बनाना, कोई नई डिश सीखना। एंड बहुत टाइम से बहुत मूवी पेंडिंग पड़ी थी नेटफ्लिक्स पे, बहुत वेब सीरीज थी जो देखनी थी, रिकमेंडेड वंस फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो कह रहे थे कि ये जरूर देखना। और थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में भी है, तो मॉर्निंग 9 to 3:30 तो मेरा उसमें निकल जाता है। आई एम क्वाइट बिजी विद दैट, बट उसके बाद दिन मेरा स्टार्ट होता है एक्चुअली में 3:30 के बाद, जहां पे मुझे फिगर आउट करना पड़ता है करना क्या क्या है। अब क्या बात है, मतलब इसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ऐसा तो कुछ नहीं है यार, आई एम नॉट अ स्टॉक ब्रोकर, आई एम अ इन्वेस्टर, आई एम अ स्मॉल टाइम इन्वेस्टर इन इट। नहीं, बट इतनी अच्छी बात है कि इतने सारे एक्टर हैं, सब लोग पूरी मेहनत से काम करते हैं शिद्दत से, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट के लिए टाइम निकाल रहे हैं। जी हाँ, आजकल थोड़ा क्योंकि बिकॉज मार्केट इतना डाउन गया है, सो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू मार्केट। 2008 में लास्ट इतना नीचे गया था, अब 2020 में वैसा मौका फिर से आया है जहां पे यू नो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट। तो विक्रम के जो फैंस है जो उन्हें पहले तो मैं अपने फैंस को सॉरी बोलना चाहता हूँ यार, बहुत सारे फैंस लास्ट टाइम मुझसे नाराज हो गए हैं क्योंकि मैंने उनके मैसेजेस नहीं देखे, तो उनके मैसेजेस में रिप्लाई नहीं कर पाया। तो मैं एक चीज, छोटी सी चीज उनसे कहना चाहता हूँ कि जब लाइव में हम किसी से बात करते हैं तो नीचे चैट पे तो ध्यान जाता नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रीड द मैसेजेस, बिकॉज सामने दो बंदों की एक तो मेरी खुद की आ रही है और राज जिनसे बात कर रहा हूँ उनकी आ रही है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड एवरी मैसेज, एंड प्लस अभी आप ऑलरेडी देखिए 1700 लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो सबका मैसेज पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। बट प्लीज मेक श्योर कि किसी क्वेश्चन वगैरह है तो हम उनका आंसर कर दें। मैं काम करूंगा आपके लिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं पढ़ लूंगा, ताकि अगली बार आप नहीं मैं पढ़ सकूं। जी, और जिसको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ प्लीज उनसे मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी गाइज, फॉर मी इट्स रियली नॉट इजी टू रीच ईच एंड एवरी मैसेज, बट जिनका मैं नहीं पढ़ पाया उनके लिए रियली सॉरी, बिकॉज अगर मैं खुद कभी लाइव आऊं अकेले तो थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ने, बट जब किसी से आप बात कर रहे होते हैं तो मैसेज पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है कि कौन क्या लिख रहा है। शुरुआत इसी से करते हैं, फैंस के मैसेजेस में आप थोड़े बहुत पढ़ता हूं और आप रिप्लाई दे दीजिए। जी सर, थोड़े बहुत मैं भी पढ़ लेता हूँ यार। वड़कम कोई लिख रहा है, एंड कोई हाय कह रहा है, हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर इंडोर्स, स्टे, यू आर स्टेइंग सेफ, और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया कह रही है हाय विक्रम भैया, हाय प्रिया, हाय हाउ आर यू। बहुत से लोग अमन नाम से बुला रहे हैं मुझे, जो मेरा कैरेक्टर नेम है। कोई पूछ रहा है शिवानी सुर्वे से बात होती है क्या? शिवानी सुर्वे से मेरी परसों ही बात हुई है, और हम लोग बस बहुत नॉर्मल बात हुई है कि क्या वो दिन भर करती रहती है, क्या मैं दिन भर करता रहता हूँ, उस टाइप की हमारी बातें होती हैं। ओके, एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया। ओके, नीजी सेइंग आई मिस यू, आई रियली मिस यू आर सीरियल,
तो मेरे कहने का उनके कहने का ये मतलब होगा आई रियली मिस यू इन योर सीरियल. I miss my serial too, यार. इस टाइम तो मुझे लगता है कि हम लोग भी एक्टर्स भी मिस कर रहे हैं, सब लोग मिस कर रहे हैं. आई एम एक्चुअली मिसिंग यू नो कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा राइट नाउ. शूट करने का बहुत मन कर रहा है अब कि फाइनली जो है सब ठीक हो जाए और हम कैमरे के सामने जाएं और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आए. आपको शुरुआत से एक्टिंग का शौक था, मतलब बचपन से आपको एक्टर बनना था या धीरे धीरे एवेंचुअली आपको लगा कि नहीं यार ये मुझे बनना है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है. आई थिंक हर किसी के अंदर कोई एक चीज होती है जो आइडेंटिफाई करता है एंड देन इफ ही और शी स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट तो वो लाइफ में उसको थोड़ा एक अच्छा बेनिफिट दे देता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही एक चीज है जो मैं अच्छी कर सकता था लाइफ में. बिकॉज स्कूल टाइम में भी इफ आई रिमेंबर आई वॉज गुड इन ड्रामेटिक्स ओनली. तो मैंने शायद ये आइडेंटिफाई कर लिया था, थोड़ा लेट मैंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज माई टैलेंट एंड दिस इज वॉट आई शुड वर्क टुवर्ड्स. बट आई एम प्रीटी हैप्पी यार, देर आए दुरुस्त आए. लेकिन अगर आप नहीं होते तो क्या होता? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं प्लान बी जो मेरा था मैं जॉब कर रहा होता. क्या क्या स्टॉक ब्रोकर? नहीं नहीं, मैं जॉब करता था एक कंपनी में, अंधेरी ईस्ट में एक लीगल कंपनी थी जिनके लिए मैं काम करता था. आई वॉज वर्किंग एज ए लीगल एग्जीक्यूटिव देयर. Okay. तो 9 to 5 जॉब थी यार, कंप्यूटर के सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देखना और बस यही काम था. मैं होती थी जी जब आपका स्टार प्लस का शो शुरू होने वाला था और आप मड क्या करते थे मालवणी साइड आपका मालवणी साइड जी. तो हम लोग जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, तो अपने कहीं ना कहीं से हम लोग को निकालने का शौक और ये हमारा पेशा है. तो मतलब स्टार प्लस पे ये शो ऑन एयर होने वाला है और इसकी कोई तो शूट का वहां पे चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि वहां पे कौन है लीड. बिकॉज मुझे पता चला था कि आप लोगों के नाम मुझे पता चले थे लेकिन मुझे ये नहीं पता था आप वहां पर होने वाले. और आई स्टिल रिमेम्बर मैं वहां पे खड़ा हुआ था और आप क्रॉस करके मुझे गए और मैंने अपने कैमरे में बोला यही है ना, यही है ना, यही है ना, यही है ना. और वो जो वॉक थी वो मुझे अभी भी याद है, वो एंग्री यंग मैन वाली वॉक. अरे मतलब मैं शायद कैमरे के लिए कर रहा हूँ शूट, वैसे रियल लाइफ में मेरी वॉक ऐसी है नहीं. नहीं, आपने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और आप वॉक ना अंदर गए थे. आई स्टिल या थोड़ा कैरेक्टर भी वैसा था तो थोड़ा रहना पड़ता था. अभी अमन जुनैद खान ऐसा नहीं है, ही इज नॉट एन एंग्री यंग मैन टाइप, ही इज मोर ऑफ विद लॉट ऑफ इमोशनल बैगेज वैसा कोई है. लेकिन विक्रम, खाने की बात आप जो कर रहे थे कि खाली वक्त में आप खाना बना रहे हैं, कुछ ऐसे डिशेस बना रहे हैं, नेटफ्लिक्स या अलग प्लेटफॉर्म से मूवीज देख रहे हैं, तो क्या क्या डिशेस आपने बनाए और कैसी बनी? यार बहुत कुछ नया सीख लिया है मैंने. कढ़ी बनानी सीख ली है मैंने, राजमा बनाना सीख लिया है एंड सब्जियां तो सारी बनानी सीख ली है ऑलमोस्ट. और काफी अच्छा लग रहा है खुद को इवॉल्व करके, बिकॉज पहले मुझे नहीं आता था सब कुछ एंड आई वॉज अ वेरी बैड कुक और खाली किसी तरह अपना पेट भर लेता था. लेकिन अब मैं बहुत हैप्पीली यू नो आई एम अ हैप्पी शेफ राइट नाउ. आई मेक माई ओन फूड और उसके बाद मैं उसको सजाता भी हूँ. मैं थोड़ा प्याज काटता हूँ, थोड़ा सैलेड ड्रेसिंग करता हूँ उसको, तो उन सब चीजों में मुझे बहुत मजा आता है. तो आई एम डूइंग समथिंग न्यू एवरी डे एंड हाँ कुकिंग में मजा आ रहा है. स्पेशली जब आप इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं तो उस खाने का अलग ही होता है, नहीं वो जैसा भी बनाओ खाने के बाद मुझे अपने हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है. लेकिन घर में सब लोग यहाँ पे आप अकेले हैं और वो लोग वहां पर तो बात होती है रोज और मम्मी आई एम श्योर बोलती हूँ कि बेटा सेफ रह रहा, बाहर मत जा रहा, ये मत करना. एक्चुअली आई एम हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स मुंबई में नहीं है, देहरादून में. एक रीजन उसका यह है कि मुंबई में केसेस बहुत ज्यादा है, देहरादून के अंदर केसेस बहुत कम है. एंड सेकेंडली बिकॉज उनकी भी एज हो गई है एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 इट्स अफेक्टिंग पीपल विद ओल्डर एज मोर. और देहरादून के अंदर दे हैव स्पेस, वहां बड़े घर होते हैं, लॉन होता है सामने और बैठने के लिए बहुत जगह होती है, कुछ करने के लिए होता है. अपना हमारा एक किचन गार्डन भी है वहां पर काफी बड़ा सा, उसमें भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं. सो अदरवाइज आई थिंक इफ देवर इन मुंबई वो यहाँ पर बहुत फंस जाते क्योंकि इधर थोड़ा कॉम्पैक्ट है.
एंड देहरादून के अंदर क्योंकि सब कुछ बहुत खुला है, तो घर से बाहर भी नहीं जाना, तो घर के अंदर भी बहुत कुछ है करने के लिए उनके पास. सो आई एम प्रीटी हैप्पी कि वो सही टाइम पे यहाँ से देहरादून चले गए. यहाँ पे कुछ आपके फैंस हैं, एक बार फिर से उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जी जी प्लीज प्लीज. मम स्क्रीन स्माइली विद हार्ट्स, ये देखिए क्यूपिड किसेस बैक टू बैक, किसेस बैक टू बैक फ्रॉम हियर टू. आरती जैन इज सेइंग स्टे सेफ विक्रम सर, टेक केयर विक्रम सर. Someone's asking, will you act in South if you get an opportunity to act? Of course, yeah. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ साउथ की मूवीज का. मैं बहुत सी साउथ की मूवीज देखता भी हूँ. अर्जुन रेड्डी मुझे बहुत ही पसंद आई थी. एंड आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं सब लोगों को बोलता रहा कि यार कोई अर्जुन रेड्डी टाइप हिंदी में कुछ बना लो, मैं कर लूंगा और मुझे अपॉर्चुनिटी दो ऐसा कुछ करने की. और इतने में कबीर सिंह आ गई. सो या आई रियली लव दैट मूवी. साउथ की मूवी मुझे बहुत. हाँ, और एक कोई पूछा योर इंडस्ट्री फ्रेंड्स, जिनके साथ मैंने काम किया है वो सब तो है इंडस्ट्री फ्रेंड्स, शिवानी, अदिति, डोनल और नामिक, निधि, जिनके साथ भी मैंने काम किया है वो सब मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं. एंड हालांकि बात इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जब भी होती है तो वी पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट और बहुत अच्छे से ही बात होती है. लेकिन जो मूवीज की बात चल रही है अभी, मर्दानी इतनी बड़ी हिट हुई और उसमें आपके काम को भी काफी अप्रिशिएट किया गया, तो मर्दानी कैसे आपकी लाइफ में? मर्दानी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कैसे? इसके एक्चुअली ऑडिशन स्टार्ट हुए थे अगस्त सितंबर के आसपास. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शानू. सो दे वर लाइक 6-7 गाइस एंड वी ऑडिशन फॉर इट. और 2-3 महीनों तक इसके ऑडिशन चले हैं फॉर ऑल द कैरेक्टर. एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर 2-3 कैरेक्टर्स एंड देन फाइनली फेब में मुझे पता चला कि ये कैरेक्टर प्ले आप फाइनली लॉक हुए हैं. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डू इट. और यार इतना अच्छा कंटेंट के कौन मना करता है. मतलब आई वाज रियली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म. इतनी अच्छी कहानी थी एंड टू वर्क विद रानी मैम एंड गोपी सर. इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर एंड अ राइटर. मर्दानी 1 उन्होंने लिखी थी, मर्दानी 2 उन्होंने डायरेक्ट की. और बिल्कुल भी उनके साथ काम करके ऐसा लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है. ही वाज सो नुएंस्ड एंड परफेक्ट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही डिड. लेकिन विक्रम, लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा कहेंगे? उससे जुड़ी कोई इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स के साथ? लाइफ का टर्निंग पॉइंट, एक्चुअली मैंने पहले बहुत सारे कैमियो स्टार्ट कर दिए थे करने. आई स्टार्टेड वर्किंग इन सावधान इंडिया और फिर उसके बाद मैंने 4-5 मैंने सावधान इंडिया किए थे. फिर मैंने कुबूल है किया था एक जी टीवी का शो, उसमें एक कैमियो मैंने किया था. एंड देन स्टार प्लस का एक शो था, एक हसीना थी, उसमें भी एक कैमियो था मेरा. एंड आई थिंक माय फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी विच आई गॉट वाज अ चैनल वी शो वेयर आई गॉट अ लीड टू प्ले. तो उधर पहली बार ऐसा लगा कि ये कहानी मेरी है और मुझे इसमें अब आई एम द मेन गाय हियर. और वो कहानी मेरे अराउंड ड्राइव कर रही थी पूरे उसके अंदर. एंड फ्रॉम दैट शो आई गॉट माई स्टार शो बिकॉज सेम प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझे चैनल वी के शो में कास्ट किया एंड वहां से उन्होंने मुझे स्टार का शो दिया. आई थिंक इफ आई कनेक्ट द डॉट्स तो सब इंटरलिंक्ड होते हैं यार. मैंने चैनल वी का शो किया, उधर जो प्रोड्यूसर्स थे दे ट्राइड मी फॉर देयर स्टार शो, वहां पर मैं लॉक हुआ एंड आई डिड जाना ना दिल से दूर. जाना ना दिल से दूर के जो राइटर थे प्रतीक शर्मा, वो अब प्रोड्यूसर बन गए थे. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी, एक दीवाना था. तो जाना ना दिल से दूर खत्म होने से पहले ही इनफैक्ट ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर मैं उस एक दीवाना था करना चाहता हूँ. सो आई ऑडिशन फॉर दैट, उसका मॉक शूट हुआ, आई गॉट सिलेक्टेड इन इट. फिर एक दीवाना था खत्म हुआ एंड अब जादू है जिनका, इसमें अपॉर्चुनिटी मिली है. ये जिनका सुपर नेचुरल पावर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है और जब भी जुड़ती है वो शो हिट हो जाता है. जी एक्चुअली मैं सुपर नेचुरल शो दोबारा करना नहीं चाह रहा था. ठीक है, मुझे यही था कि एक दीवाना था, एक वो जॉनर मैंने कर लिया था. आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट और मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था. आई विल बी ऑनेस्ट हियर, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि जादू है जिनका एक सुपर नेचुरल शो नहीं है, इट्स अ फैंटेसी शो. सो लाइकवाइज आई ऑल्सो थॉट कि ये भी एक सुपर नेचुरल शो है, तो अभी मुझे ये तो नहीं करना है, मुझे ये जॉनर नहीं करना है.
बट मैंने हर्ड द स्टोरी, और क्योंकि मैं बहुत यू नो फैंटेसी शोज या फैंटेसी स्टोरीज मैंने इतनी देखी नहीं है, बचपन में देखी थी जो देखी थी, तो नई मैंने कोई देखी नहीं है. सो आई वॉज ब्रीफ्ड बाय गुल जी, फोर लाइन्स के जो प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट शो, दिस इज नॉट अ योर सुपर नेचुरल शो और ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर आउट एंड आउट रोमांटिक लव स्टोरी जिसके अंदर यू हैव मैजिकल पावर्स. फिर करते करते समझ में आया कि एक्चुअल में सुपर नेचुरल है नहीं, ये फैंटेसी शो ही है. लेकिन दिस इज वेरी डिफरेंट. हम लोग जब उसको ऑन एयर देखते हैं तो लगता है कि स्पेशली जब आपके पूल के आसपास वाले सीन होते हैं कि अचानक से अदिति को स्विट्जरलैंड या उनके वादियों की याद आती है और जिन ले आता है वादियां और अचानक से शाहरुख बन जाता है, तो काफी क्यूट मोमेंट है और वो देखकर लगता है कि हाँ ये कुछ तो अलग है. जी जी जी, मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई एक सीन का ग्राफ स्टार्ट एक लेवल पे होता है एंड वो एंड एक डिफरेंट लेवल पे होता है. लाइक इफ यू स्टार्ट, मैंने बहुत टाइम बाद मुझे ऐसे सीन्स करने के मौके मिले हैं जहां पे हमने स्टार्ट तो मे बी कॉमेडी से किया है लेकिन बाय द एंड ऑफ द सीन इट हैज टर्न्ड इनटू अ मैजिकल ट्रेजेडी या फिर यू नो समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. कहीं स्टार्ट किया कहीं खत्म हो रहा है सीन, तो वो सीन करने में बड़ा मजा आता है बिकॉज वो ग्राफ चेंज होता रहता है सीन के अंदर ही अंदर. सो एज एन एक्टर यू नो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू डू सच सीन्स. तो वैसे आपके शो के अंदर लाल चांद भी मैं बोल रहा था, लाल